हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बेसन की बर्फी बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने ये 300 ग्राम बेसन लिया है और मैंने ये 250 ग्राम चीनी लिया है और मैं ये देसी घी घर में बनाती हूँ जिसका मैंने खोआ लिया है ये, और ये 1 कप दूध है और ये मेरा जो है 1/2 kg ये घर का बनाया हुआ देसी घी है मेरा ये। अब कितना लगता है इसकी क्वांटिटी पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी और उसमें ये देसी घी मैं डाल लूँगी। 3 चम्मच मुझे डालना है। तो सबसे पहले मैं बाउल में एक ये 3, उसके बाद मुझे ये दूध इसमें डाल के मिक्स करना है। थोड़ा मैं दूध डालूँगी, फिर बाद में आवश्यकता के अनुसार डालूँगी। इसके बाद इसको मैं फेंट लूँगी। मैंने देखिए ये मिक्स कर लिया। अब हमें बेसन में ये थोड़ा सा मुझे चुटकी भर ये हमें हल्दी पाउडर डाल देना है ताकि इसे रंग जो है बहुत अच्छा आता है इसका। अब ये हल्दी पाउडर मुझे मिला देना है इसमें और मुझे धीरे धीरे ये जो मिक्स करके मैं दूध और देसी घी रखी हूँ इसको डाल देना है और इसको हाथों की सहायता से हमें मिक्स करना। पहले मैं चम्मच से करूँगी, उसके बाद हाथों से मैं करूँगी। देखिए हाथों से ऐसे धीरे 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 हमको ये बराबर का मिला देना है हमको, ताकि एक जैसा सब हो जाए। देखिए मैंने धीरे धीरे हाथों की सहायता से सारा मिक्स कर लिया है। इस तरह करने से ये मेरा बहुत ही दानेदार तैयार होता है बेसन और दानेदार मेरी बेसन की बर्फी भी तैयार हो जाएगी। अब मुझे एक छन्नी लेकर उसमें इस बेसन को छान लेना है। देखिए ऐसे करके इसको छान लेना है। अगर आप चम्मच से नहीं कर पाते हैं तो हाथ से ही ऐसे से कर दीजिए, बराबर का ये छन जाएगा। देखिए मेरा ये बिल्कुल एक बराबर तैयार हुआ है। कितना रवादार अच्छे तरीके से तैयार हो गया है ये। देखिए मैं गैस ऑन करके अब कढ़ाई रख दी हूँ। अब कढ़ाई में मुझे देसी घी डालना है। ये मैंने जो 1/2 kg देसी घी रखा है मैं आधा ही डालूंगी इसमें। अब मेरा घी जो है अच्छी तरह ज़्यादा नहीं गर्म हुआ है। अब मुझे गैस का फ्लेम लो कर देना है। अब इसमें मैं धीरे धीरे ये बेसन डाल दूंगी और डाल के इसको हल्के आंच पे मैं मुझे ये भून लेना है। देखिए इसको बराबर चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से जलने का उम्मीद रहता है इसको। देखिए मेरा ये अच्छी तरीके से भून गया है। ये ब्राउन होने तक मैं इसको भूनी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास देसी घी उपलब्ध नहीं है, डालडा है, अगर थोड़ा ही डालडा है तो उसमें थोड़ा देसी घी भी मिक्स करके बना सकते हैं, मगर रिफाइंड मत डालिएगा। रिफाइंड से स्वाद बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है देसी घी तो आप डालडा ही डाल सकते हैं। अब देखिए इसको ब्राउन होने तक मुझे ये भून लेना है। अब इसी में मैं ये खोआ अपना डाल दूंगी। खोआ मुझे नहीं भूनना है, ये तो ऑलरेडी खुद ही भुना रहता है। और इसी में मैं एक बाउल जो है गरी का बुरादा मैंने लिया है उसको भी इसमें मैं डाल दूंगी और सबको अच्छी तरीके से करके मिक्स करके 2 मिनट मुझे और भून लेना है। देखिए ये मैं मिक्स कर दी हूँ और 2 मिनट भून भी ली हूँ और गैस का मेरा फ्लेम लो था, हाई करके नहीं भूनना है इसको। अब मैं इसको गैस ऑफ कर दूंगी और इसको कढ़ाई नीचे रख दूंगी और मैं चाशनी की प्रिपरेशन कर लूँगी। अब मैं चाशनी के लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दिया है। अब उसमें मैं एक बाउल ये पानी डाल दूंगी और
इसके बाद मुझे इसी में ये चीनी डाल देना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद कर सकते हो तो और भी चीनी ले सकते हैं आप। अब देखिए ये चाशनी मुझे लगातार चलाना है और गैस का फ्लेम मुझे हाई ही रखना है और बाद में मैं इसको धीरे इसका फ्लेम जो है लो कर दूंगी। देखिए चाशनी जो है मुझे एक तार होने तक बनाना है और इसमें मैं पहले ये इलायची पाउडर है इसमें डाल दूंगी, इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मुझे देखना है कि एक तार बनाए है या नहीं बना है, तो पहले मैं इससे देख लूँगी, ऐसे देख लूँगी कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए मेरा थोड़ा सा बाकी है, अब होने को चला आया है। देखिए ऐसे से देख लेंगे, अगर इससे भी नहीं पता चलता है तो एक कटोरी में थोड़ा पानी लेंगे और इसी पानी में मैं ये चाशनी डाल दूँगी। अगर ये थोड़ा सा बंध जाए थोड़ा सा ये, तो पता चल जाएगा कि मेरा एक तार हो गया, लेकिन देखिए बिल्कुल नहीं बंधा है ये, इसमें जो है पिघल गया ये। देखिए मेरा चाशनी तैयार हो गया है, अब इसको देख लेना है हमको। देखिए मेरा एक तार ये बन रहा है, अब ये मेरा हो गया है ये। अब इसी में मुझे ये जो भुना हुआ बेसन है मिला देना है। पहले तो मुझे ये गैस ऑफ कर देना है, जो है धीरे धीरे इसमें डाल देना है और सबको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मुझे गैस ऑन करना है। देखिए ये मिक्स हो रहा है, हम इसको बराबर बराबर बिल्कुल चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहने पाए। देखिए मेरा ये मिक्स हो गया, अब मैं केवल 2 मिनट के लिए बस गैस ऑन करूँगी। देखिए मेरा ये 2 मिनट हो गया, गैस ऑन करके रख दी हूँ, 2 मिनट हो गया। अब इसको किसी थाली में मुझे फैला देना है। अब देखिए मैंने थाली ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा ये देसी घी डाल दूँगी और इसको जो है चारों तरफ लगा दूँगी ताकि चिपकने ना पाए इसमें, और इसी में मुझे ये बेसन फैला देना है। अब इसी में मुझे ये जो मैंने बनाया है बेसन, अब इसमें इसको गिरा दूंगी और इसको अच्छी तरीके से मुझे फैला लेना है। अब देखिए इसको पंखे के नीचे हमें रख देना है ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। फ्रेंड्स जो इसमें मैंने खोआ डाला है उसको मैं पहले भी वीडियो में बता रखा है कि उस खोए का क्या क्या यूज है, तो आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये रेडी हो गया है, अब मैं इसके पीसेज काट लूँगी, चाकू से मैं ये कट कर दूँगी।